मोहन सिंह जी आ गए हैं देखिए, और ये इनकी माता जी। हरे हरे बाप रे बाप, आपको प्रणाम। नहीं नहीं रोना नहीं है, रोना रोने की बात नहीं, ये रोने की बात नहीं है, ये तो अपना विधान है ईश्वर का ना, किसको किस तरह से आना है जाना है वो उनका विधान है, आप अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म करना है। बंद कर दो भैया, बोलो सुन ले आजा, बंद कर भैया, इतनी बोल्ड लड़की जी भैया, हमारे गांव के भैया क्षेत्र की इस प्रकार की अच्छी लड़की होना मुश्किल का समझ। जिस दिन गाना आया और अपने रूम में हम जाके अपने दोस्तों से इतना प्रशंसा किए कि भाई जितना सुंदर इस गाने में लग रही आज तक नहीं लगी थी। मैंने शायद फोन भी किया, फोन नहीं उठा तो मैंने मैसेज किया कि गुड मॉर्निंग, क्या लग रहे हो गाने में। तब तक 10 बजे हमसे एक मित्र बोला कि भैया कुछ कान में आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ, फ्रीज हो गया आदमी। हम लोग मतलब अगर पूछिए ना तो हम लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास तो नहीं हो रहा अपन भैया, विश्वास तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, विश्वास की बात ही नहीं है। किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि अचानक ऐसा है, पैसा हो जाएगा, सवाल ही नहीं होता है, कौन सोचेगा, सवाल ही नहीं होता है। अंदर से मजबूत लड़की जी, हिम्मत ही बहुत है भैया, अपने गांव जिला का नाम बढ़ाना और गांव कभी आती थी भैया तो हर लोगों से मिलना, इतने इस प्रकार से साधारण भाव से क्या कहा जाए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, देखिए क्या है, मैं क्या बताऊँ, आज हम लोगों ने भैया कमिश्नर साहब के पास गए थे, बैठे थे, बुलवाए थे सोनू भैया जी के नेतृत्व में, अब महेंद्र पाणी भाव के साथ रहते हैं, बात हुई भैया से फोन पर प्रधानमंत्री जी के सरकारी स्टाफ में, महेंद्र पांडे जी के कमिश्नर साहब काफ़ी विश्वास, कुछ उनको एविडेंस भी मिला हुआ है जिससे वो जिनका संजय सिंह जो हड़काया है, जो बोला जो कुछ जो धमकी दे रहा जो धमकी दिया है वो भी आ गया है, और इसके बाद मारपीट कर उस लड़की को उन्होंने मारा, यहाँ पे काला पड़ा हुआ है, हाँ वो भी सारी फोटो निकाल ली, वो भी उन्होंने निकाल लिए, एक दो दिन में खुलासा भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ आत्महत्या की, ये ठीक है, लेकिन किसकी वजह से पंखा ऊपर हाथ में तो खाइएगा, किसकी वजह से की वो भी वजह से उसको मालूम हुआ, वो फोटो भैया जो कालापन यहाँ था उसके पड़ा हुआ है वो भी कमिश्नर साहब के पास। ज्ञान चा खैर न्याय व्यवस्था तो अपने यहाँ है ही ना, नहीं नहीं वो सबल है तो वो तो खोज कर निकाल ही लेगा ना, वो तो खोज कर निकाल ही लेगा, वो तो सही है ना, वो निकाल लेगा, हम पूरी भरोसा है, भरोसा होना भी चाहिए ना। लेकिन सर जिसकी फिल्म आ रही हो सुपरस्टार के साथ,
जिसकी गाना आ रही हो उसको कितनी खुशी होगी पहले बताइए, कहां से गले लगा सकती है वो लड़की। हमारे भोजपुरी समाज का अभिमान थी महाराज, समझे, पोस्ट की है तब इतनी प्रसन्नता थी जो है आज में दिल में अगर कुछ प्लानिंग होगा तो अपने गाने का पोस्ट करेगा कोई। भैया कातिल वही तो देख नहीं पाया, उनको छोड़ के बड़े स्टार के साथ में चला। अरे भैया क्या बोला जाए, कोई शब्द नहीं भैया, यही सच्चाई है। आपके साथ में जो रिलीज हुई ना उसको बर्दाश्त नहीं हुआ सदमा, जब तक हमको छोड़ के आगे चले गई इसकी कहानी यही समाप्त कर दी है। अब तो उसका स्वरूप जाने के बाद बड़ा हो गया ना जी। देखिए यहाँ शरीर में हम लोग है ना, बहुत कम हमारी दायरा है हमारा। अब ईश्वर के पास जाने पर तो उसका दायरा बहुत बड़ा हो गया ना, तो जितने कातिल हैं कि क्या है कौन लोग हैं, ऐसे भी नहीं बचना है, वैसे भी नहीं बचना है, ईश्वर की तरफ से भी नहीं बचना है और न्याय व्यवस्था से भी नहीं बचना है। न्याय व्यवस्था मान लीजिए वर बंधा हो सकती है लेकिन ईश्वर के हाथ से, अरे नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम लोग है ना, हम लोग हैं पवन सिंह है, पवन सिंह आज यहाँ आए हैं, बहुत बड़ी पवन सिंह नहीं, ये बड़ी बात, हम सेलिब्रिटी नहीं बन के आए हैं, हमारे परिवार की बच्ची थी वो, हमारे हमारा घमंड थी वो जी, बिल्कुल उनकी माँ बोल रही है कि घमंड हमारी है, घमंड हमारी थी वो। ये महाराज वो अपने घर की चिराग तब, वो हमारे परिवार का एक, अभी इस गाड़ी में ही हम आ रहे हैं तो एक लड़का यूट्यूब वाला कोई भाई चाचा से बात कर रहा, बड़ा मतलब देख ले नहीं जाते, आज कितना अच्छा होता किसी कार्यक्रम में हम लोग आते रहती, पवन जी आते हम लोग आते, वो दिन कितना अच्छा होता। मतलब हमको तो हमारे दोस्तों को, हमारे दीपक जी बिक्की भाई, क्या कुछ ही दिन पहले तो हम लोग शूट किए हैं गाना लखनऊ में ना, हो हंसना खेलना, इतना खुश दिल होके काम करना, मतलब मेरा मूड उस दिन ठीक नहीं था तो मुझे ताकत दी। आपके जन्मदिन का भी फोटो अच्छा, जन्मदिन बहुत अच्छा, वो ऐसा कदम मतलब अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। शूटिंग पे रहती थी तो हमेशा परिवार से बात करना, मम्मी का फोन आ रहा है, भाई से बात करना।